खालड़ा मिशन के वकील जे एस रंधावा वालों अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत 31 होर लोगों खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीड़ितों 32 साल बीतने के बावजूद इंसाफ ना मिलन और दोषियों खिलाफ कार्रवाई ना होने के रोस वजों यह शिकायत दी गई है। खालड़ा मिशन के वकील जे एस रंधावा वालों अमृतसर के पुलिस कमिश्नर दिए गए इस मांग पत्र च ऑपरेशन ब्लू स्टार दौरान निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने के हुक्म देने वालों खिलाफ कार्रवाई मंगी गई है। उन्होंने इस मौके यह भी कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीड़ितों को आज तक सरकार वालों कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। असी ये अज कंप्लेट जी पुलिस को मूव कर दी है जिद कोई 31-32 दोषी आ जिद प्रणब मुखर्जी, प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह मेन गिने चुने होर कई आर्मी के ऑफिसर आ और इन्हों खिलाफ डोमैसटिक लॉज तो जेडे इंटरनेशनल लॉज आ दो डोमैसटिक लॉज के तहत कार्रवाई करने लिए असी कार्रवाई कर दी हुई है। जोड़ा इंटरनेशनल लॉ ली आई एक महीने बाद जो कार्रवाई कर दें सब तो पहला जी UN सिक्योरिटी काउंसिल आनू अप्रोच करा वो रजिस्ट्री अप्रोच करा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जी कि परमानेंट एक वार क्राइम की कोर्ट हैगी उन्होंने भी असी अप्रोच करके वो रजिस्ट्री के बाय पोस्ट करा उन्होंने असी ईमेल की सी वो कहें कि बाय पोस्ट सानू कर सब तो पहला जोड़े दोषी है वो सब तो पहला असी इंदिरा गांधी अबेटड, प्रणब मुखर्जी, BD पांडे, प्रकाश सिंह बादल, रमेश इंदर सिंह, हरचंद सिंह लौंगोवाल, सुरजीत सिंह बरनाला, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जनरल KS बाग, ये असी 34 धारा 120 साजिश वो जिहड़ियां इन्होंने लैटर्स ते सीक्रेट मीटिंग्स या वाइट पेपर असी दिखाया इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लई इंदिरा गांधी जेडे तत्कालीन प्रधानमंत्री सन श्रीमती इंदिरा गांधी उन्होंने नाल जिहड़ियां गुप्त मीटिंगा ने उन्होंने ये साजिश के तहत ने इन्हों लैटर सामने आई कि जेडे अंदर बंदे ने वो पागल हो गए ने वो अपने कंट्रोल च नहीं आने वाले इस करके आपां नूं वो काम करना पैना वो योजना करनी पैनी जो लड़ी है आपां नूं अंदर फौज भेजनी पैनी है जिदे देख के वो डर जाएंगे तो भज जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।